इतनी जोर से आज बात लग जाए कि मैं डर के उठी हूँ लिटरली। और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती कि व्हेन दे कैन डू इट देन व्हाई कैंट वी, एंड देन माय डेट इज पेड ऑफ, यू गेट इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसा सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक है। वेलकम टू धनी, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स करके आप लोगों को कैसा लगा। आज है वेडनेसडे, अ वेरी गुड डे। आज तो इसमें सुबह सुबह यानी कि 9 साढ़े 9 बजे मेरी आँख खुल गई और उसका रीज़न ये था कि इतनी ज़ोर से आज बादल गरज जाए कि मैं डर के उठी हूँ लिटरली उनकी बादलों की आवाज़ से, गर्जन की आवाज़ से। तो उसके बाद जो बारिश हुई है, तो इस वक्त जो है ना बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जो है ना जिम से होके आया जाए। यूजुअली मैं शाम में जाती हूँ जिम, बट क्योंकि अब मैं सुबह उठ ही गई हूँ जल्दी, तो जिम से आता है और उसके बाद खाना पीना है, नाश्ता वाश्ता सब करता है। तो इस दिन को जो है फिर अच्छे से ज़रा यूटिलाइज करते हैं जब आप जल्दी उठ ही गए हो तो। सो लेट्स गो जिम। और याहिया जी यहीं पे मेरे पीछे सो नहीं रहा, जाग रहा है, बट मुझसे अगर फ्रेम में लूँगी तो वो सो जाएगा। और सारा किधर है? सारा भी वो वहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट क्या जाग ही रही है, बट अपने टैब में लगी हुई है। पता नहीं आजकल उसको क्या है कि उसको उठ के जो है टैब जो है चाहिए, विच इज़ नॉट गुड, बट अगेन समर हॉलीडेज तो मैं फिर उसको या डैश आपको समझ ही गए होंगे। एनीवेज तो चलिए जिम चलते हैं और फिर आज का दिन जो है शुरू करते हैं। उठे और इसे बंद करें और आनी नाश्ते की तैयारी करें। आनी की हेल्प करें नाश्ता बनाने में, अंडा बनाया और जाके सबके लिए। उठ जाए, मैं आ रही हूँ जिम से, तब तक डोंट लुक एट मी लाइक दैट। चलो जी, जिम से तो फारिग हो गई हूँ और अब चलते हैं घर। और मैं आप लोगों को बताऊँ एक बात, लाइक लिटरली कभी कभी जब मैं इस तरह के लोगों को देखती हूँ ना तो बहुत ही प्राउड सा फील होता है। एक्चुअली जब मैं जिम में थी, तो मैंने जिम शुरू किया था, मैं वहाँ आई तो मेरे साथ साथ ना एक बूढ़ी सी औरत, लाइक इन हर 80s 90s टाइप, आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्वाइट ओल्ड, कि जिसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। और जो एक्सरसाइजेज मैंने की है, लिटरली सेम एक्सरसाइजेज, सेम वर्कआउट जो है उन लेडी ने किया है। एंड वो अपने आप को फिट रखने के लिए शी इज लाइक डूइंग इट। और हम अक्सर करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे अब नहीं करते, वह तब नहीं करते हैं, आज रहने देते हैं, कल रहने देते हैं, आज कुछ ज़्यादा थक गए। हालांकि मैंने भी यही किया था, मैं काफ़ी जैसे लेज़ी हो गई थी। मंडे को जो जिम आना था लेकिन मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं लेज़ी हो गई थी लिटरली। एंड यस आई एडमिट इट कि दैट वुमेन, दैट ओल्ड लेडी जो कि 80-90 की है, वो यानी कि मुझसे ज़्यादा एक्टिव थी लिटरली, आई मीन इट। एंड वो हमें एटलीस्ट मुझे मोटिवेट भी करती हैं, इस तरह की जो है शख्सियत होती है। और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि व्हेन दे कैन डू इट देन व्हाई कैंट वी डू इट। और इट्स जस्ट अमेजिंग, लाइक लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। मैं यानी कि जितना भी कहूँ ना कम है। इट्स अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ पीपल। देख ली क्या तेज़ धूप एकदम से निकल आई है सुबह सुबह, क्या बादलों की गरजने से मेरी डर के आँख खुली थी और एकदम से तेज़ बारिश आई थी। और अब ये मौसम है, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा जो है मौसम हुआ है, बादल इतने प्यारे हैं, हवा हल्की सी चल रही है और साथ सूरज, गर्मी है। हाँ, मज़ा आ गया गाइस, सुभान अल्लाह। चलें जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि घर चल के जाना और भी बहुत से काम होने। एंड आई एम स्टार्विंग, नाश्ता भी करना है, मैंने कुछ नहीं खाया, सबसे उठी हूँ। सो लेट्स गो। फ्रेशन अप हो गई हूँ, नाश्ता बना लिया है, सारा ने तो खाया है चावल के साथ ही डाला, तो दैट इज समथिंग न्यू। जब वो चावल रखे हुए थे वाइट राइस, तो यानी कि जो नॉर्मल बनते हैं उबले हुए चावल वो रखे हुए थे, तो उसके साथ तो इतने न्यूटेला खाया है। तो ये लड़की क्या खाए, कब कैसे खाती है, आई मीन इसके टेस्ट बड्स एंड ऑल दैट, इसकी मिक्स वो कहते हैं मिक्सिंग कहानों की इधर उधर बहुत ही अजीब होती है। एनीवेज तो दिस इज व्हाट आई मेड। ट्राइंग अगेन सम पोहा। मैंने जो है ना शेफ कुणाल कपूर की जो है रेसिपी देख के बनाया है। मुझे ऐसा लग रहा है हल्दी ज़्यादा हो गई है, बट लेट्स सी टेस्ट कैसा होगा। एंड साथ सम बॉइल्ड एग्स एंड आई हैव स्टार्टेड सम वर्कआउट एंड चाय, और सारा को भी खाऊंगी मैं, देखना अभी सारा मेरा डिजर्ट होगी। सो लेट्स ट्राई दिस कैसा बना है। गुड। जैसे कि मैंने कहा था हल्दी थोड़ी ज्यादा हो गई है, बट अदर देन दैट परफेक्ट, यम्मी। सारा के भी वाइट जूते, मेरे भी वाइट जूते। हम लोग यहाँ आए हैं थोड़ा मॉल, थोड़ी सी चीजें लेनी है और फजर को खानी है आइसक्रीम। सो वी आर हियर ऑन अ आइसक्रीम रोड ट्रिप आई गेस। तो जाओ मैं हेल्पिंग ध्यान से। मैं ये जूते पहन के कितने लंबे हो गए आपके जितनी? पहले तो मैं नीचे आती थी, इसकी यहाँ ऊपर है, कंधे ऊपर किए इसने कंधे ऊपर किए, नीचे किया मैंने देखा अभी तक। यहाँ अभी भी कंधा ऊपर किया हुआ है, यहाँ तक थोड़ा ऊपर है यहाँ पर मेरे ख्याल में। Now today you will get your ice cream and then my debt is paid off. You get it? हम यहाँ आइसक्रीम शॉप पे आए, सहारा का दिल जोर से कर रहा है सुशी खाने को, लाइक सीरियसली जोर से, बहुत जोर से। सारा आप कौन सी आइसक्रीम लेंगी? सॉफ्ट आइस छोटी वाली इन लीले सॉफ्ट आइस फॉर। Gotten your ice cream happy, right? I have paid off my debt to you with ice cream happy. Thank you. I am free now.